नेक्स्ट हम लेसन पढ़ेंगे फिजिक्स में टेस्ट नंबर 9। अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चलते हैं हम अपने क्वेश्चंस की तरफ। अगर आपका एफ जो है वो 10 न्यूटन हो एक्सिस के साथ और 90 डिग्री का जाविया बनाती हो तो इसका एक्स कंपोनेंट कितना होगा, तो इसका जवाब है 0, क्योंकि कॉस 90 जो है वो 0 होता है। अगर F की वैल्यू आपकी 25 न्यूटन है यानी फोर्स और वो एंगल बना रही है 0 X एक्सिस साथ, तो उसका Y कंपोनेंट जो है वो भी 0 होगा। अगर वेलोसिटी क्या हो कि बॉडी जो है वो आपकी इक्विलिब्रियम हालत है बैलेंस हालत में हो तो वो कांस्टेंट वेलोसिटी अगर कांस्टेंट होगी तभी बॉडी इक्विलिब्रियम में होगी। फोर्स एंड दूसरी कौन सी चीज फोर्स के साथ वो जीरो होती है जब बॉडी जो है वो इक्विलिब्रियम पोजीशन में होती है, तो यानी बैलेंस होती है, तो वो एक्सेलरेशन फोर्स और एक्सेलरेशन जीरो होगा तो फिर बॉडी का मतलब है कि वो इक्विलिब्रियम है। ठीक है, अगर मास जो है वो आपकी बॉडी से डबल कर दी जाए और वो बॉडी एक सर्कल में मूव कर रही हो तो उसकी सेंट्रीपिटल फोर्स भी डबल हो जाती है। ठीक है, E is equal to mc square जो है ये आपकी आइंस्टाइन ने इक्वेशन ड्राइव की थी, तो ये भी याद रखना है। फिजिक्स ऑफ ब्रांचेस, फिजिक्स जो है किस चीज़ की ब्रांच है, साइंस की ब्रांच है। ठीक है, वो यूनिट्स विच ड्राइव फ्रॉम द बेसिक यूनिट्स, जो बेसिक यूनिट्स से ड्राइव की जाती हैं तो उनको हम क्या कहते हैं, ड्राइव यूनिट्स